आओ सीखो की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती जादू। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात करना शुरू की थी कि किस तरह से हिंदी के नामों की स्पेलिंग्स अंग्रेजी में बनाई जा सकती है, और हम सीख चुके हैं कि हिंदी में जो 12 मात्राएं होती हैं उनके लिए अंग्रेजी में किन लेटर्स का उपयोग किया जाएगा। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं व्यंजनों की, यानी कंसोनेंट्स की। अब हिंदी में जो 52 अक्षर होते हैं उसमें से 12 अक्षर यानी 12 स्वर निकाल दिए जाएं तो बचते हैं 40 अक्षर, और ये 40 अक्षर जो हैं वो हैं व्यंजन यानी कंसोनेंट्स। अब अंग्रेजी में इनके लिए हम किन लेटर्स का प्रयोग करेंगे ये हम आज देखते हैं। अगर हिंदी वर्णमाला की बात की जाए तो ये काफी व्यवस्थित है। इसमें हमने पढ़ा है, इसमें 5-5 लेटर्स के 5 ग्रुप्स होते हैं शुरुआत में, जैसे क ख ग घ, ये 4 लेटर्स हुए, और फिर पांचवा होता है ङ। ये सारे जो लेटर्स हैं ये सब कंठ से यहां से निकलते हैं। इसी तरह से उच्चारण के हिसाब से एक ही स्थान से निकलने वाले जो अक्षर हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया है। अब इसको हम अंग्रेजी में कैसे देखें ये हमको देखना है। यहाँ पर थोड़ी सी समस्या ये आती है कि कुछ जो लेटर्स हैं वो तो हिंदी में और अंग्रेजी में उच्चारण के हिसाब से सेम है। जैसे क, हिंदी में अगर क है तो इंग्लिश में हमारे पास है के, क और के, ये उच्चारण में एक जैसा है। उसी तरह से ज और जे, प और पी, ब और बी, न और एन, म और एम, इनको हम एक दूसरे से जोड़कर देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस ध्वनि के लिए अंग्रेजी का कौन सा अक्षर आएगा। प्रॉब्लम वहां होती है जहां पर ध्वनियां ऐसी हैं जो कि अंग्रेजी में है ही नहीं। जैसे क अंग्रेजी में है पर ख नहीं है, घ नहीं है, ठ या फिर थ या फिर भ, झ, ये कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो अंग्रेजी में नहीं है और हमारे पास इनके लिए लेटर्स भी नहीं है। इनको हम अंग्रेजी में कैसे बनाएं ये हमको खास तौर पर सीखने की जरूरत है। पहले हम एक नजर डालते हैं हिंदी की वर्णमाला पर, या यूं कहें हिंदी के बचे हुए 40 व्यंजनों पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5-5 अक्षरों के वो 5 ग्रुप्स जो कि उच्चारण के स्थान के हिसाब से बने हुए हैं। इसमें सबसे पहला ग्रुप है उन अक्षरों का जो कंठ से यहां से निकलते हैं। इसमें शामिल अक्षर हैं क, ख, ग, घ, ङ। दूसरा जो ग्रुप है उन अक्षरों का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु के आगे वाला हिस्सा। इसमें आते हैं च, छ, ज, झ और ञ। फिर जो अक्षर हैं वो तालु से जबान के टकराने पर निकलते हैं वो हैं ट, ठ, ड, ढ और ण। इसके बाद आगे जब हम चलेंगे तो जब हमारी जबान दांतों से टकराती है तो ये ध्वनियां निकलती हैं। ये हैं त, थ, द, ध, न। लास्ट जो ग्रुप है उसमें वो अक्षर आते हैं जब हमारे दोनों होंठ चिपकते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं, प, फ, ब, भ, म। इसके अलावा जो व्यंजन है आगे आता है य, फिर र, ल, व, और इसके बाद आते हैं 3 तरह के स जिनके अलग अलग उच्चारण हैं, अलग अलग ध्वनियां हैं, श, श और स। इसके बाद है ह, फिर मिश्र व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ, और इसके अलावा और जो 4 अक्षरों का उपयोग हम करते हैं वो है ळ, जो कि ड के नीचे बिंदी लगाने पर बनता है, ढ, जो ढ पे नीचे बिंदी लगाने से बनता है, श्र,
जो मिश्र व्यंजन है, और री। ये जो री है इसमें कई बार आपने देखा होगा जो नीचे एक री की मात्रा लगती है वो री पढ़ा जाता है, री ऋषि का। तो इस तरह से हिंदी के पूरे 40 व्यंजनों के लिए अंग्रेजी में किन लेटर्स का प्रयोग होगा यह हम देखेंगे आगे की वीडियो क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।